Hey guys, welcome back to Mr. Vyas और एक बार फिर से आपका वीकली सीरीज के अंदर बहुत स्वागत है जहां पर आपका सवाल होता है मेरा जवाब होता है और इसके लिए मैं एक कम्युनिटी पोस्ट क्रिएट करता हूं एवरी सैटरडे जहां पर लोग जाके अपनी क्वेरीज को पोस्ट करते हैं और आज के दिन ऑन संडे को वो सारी क्वेरीज हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो गाइज आज के लिए हमारे पास है टोटल 15 कमेंट्स तो हम एक एक कमेंट को गो थ्रू करेंगे। लास्ट में हमारे पास कुछ क्वांटिटी ज्यादा थी लेकिन इस बार थोड़ी लिमिटेड है तो क्वाइट बेटर है कि हम बहुत सारे लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। So guys, before starting, I will definitely say कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो guys, subscribe के बटन को definitely hit कीजिएगा। और दूसरी सबसे important चीज, अगर blogging में interest रखते हैं, अगर blogging सीखना चाहते हैं तो guys, definitely जाइए और हमारे telegram group और channel दोनों को join कीजिए। group में आपको quality information मिलती है, बहुत सारे लोग आपके सवालों के जवाब देते हैं, मैं खुद मेरे बहुत सारे queries को address करता हूँ। साथ ही साथ channel वो चीज होगी जहां पर आपको relevant information ऑन टाइम वहां पे अपडेट की जाएगी अगर हमारे चैनल पे कोई वीडियो अपलोड होता है या किसी तरीके की क्वेरी कोई पोस्ट की जाती है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है लर्निंग अर्निंग से। तो लेट्स गेट रीड करते हैं। सो गाइस उनका सवाल है कि हाउ मच पेज व्यूज नीडेड टू $1000 फ्रॉम यूएसए एंड यूके इन एडसेंस। तो अगर गाइस आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि $1000 कमाने के लिए पर मंथ आपको यूएसए और यूके से कितना ट्रैफिक आना चाहिए, तो मैं आपको सीपीसी बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी, अराउंड थाउजेंड पेज व्यूज पे आप एवरेज इनकम काउंट कर सकते हैं $3 to $4। ओके, तो इसके हिसाब से अगर आप इस फिगर को टारगेट करें तो अराउंड 3 लाख 50,000 पेज व्यूज आपका पर मंथ होना चाहिए तो शायद आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि तो जितना ट्रैफिक ज्यादा आता है उतना एड क्लिक्स ज्यादा होता है, क्लिक्स ज्यादा होता है तो रेवेन्यू बढ़ता है। तो एक अप्रोक्स काउंट गिने तो आप अराउंड 1-3 लाख पेज व्यूज अगर आपके पेज पे आते हैं यूएस और यूके से तो पर मंथ, तो शायद आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी होता है अगर $3 इक्वल्स टू 1000 पेज व्यूज होता है तो 10,000 पेज व्यूज अगर लेके आते हो तो करीब करीब 30 और 1 लाख पे आपको 300, राइट। तो इसी के हिसाब से अगर घिना जाए तो करीब करीब 3,50,000 पेज व्यूज, तो उसको थोड़ा मिनिमाइज करें तो अप टू 3 लाख पेज व्यूज पे आप $1000 तक की अर्निंग यूएस और यूके के ट्रैफिक से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इनका है टेक सुबह का और इनका कहना है इज इट पॉसिबल मेक स्टैटिक वेबसाइट ऑन ब्लॉगर। नो भाई, ब्लॉगर पे आप किसी तरीके की स्टैटिक वेबसाइट नहीं बना सकते। ब्लॉगर इज अ कंटेंट मैनेजमेंट टूल, ब्लॉगिंग का अपना ओन रिसोर्स है जहां पर सिर्फ आप कंटेंट लिख सकते हैं और ब्लॉगिंग जैसे साइट से बना सकते हैं। लेकिन हाँ, आपकी कोई स्टैटिक वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर आप लिंक दे करके यूजर्स को आपकी ब्लॉगर की साइट पे मूव कर सकते हैं और यही बेस्ट अप्रोच है, अदरवाइज आप ब्लॉगर में कोई स्टैटिक वेबसाइट नहीं बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यह है महेंद्र कुमार सिन्वर और इनका कहना है कि यू जस्ट टेल अबाउट हिंदी ब्लॉगिंग, हाउ टू रैंक अ वेबसाइट, फिर हिंदी कंटेंट ऑन गूगल टॉप, हाउ टू रिसर्च हिंदी कीवर्ड, हाउ टू राइट हिंदी आर्टिकल ऑन ब्लॉगर एंड हाउ टू इंक्लूड कीवर्ड एंड पोस्ट। देखिए, कीवर्ड रिसर्च के टेक्निक हर जगह कॉमन होती है, डजंट मैटर कि आप हिंदी में करें या इंग्लिश में करें। अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो डेफिनेटली, जैसे मैं अगर बताऊं कि मैं सर्च करता हूं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो आप उसको हिंदी में कैसे रिसर्च कर सकते हैं कि ब्लॉग को कैसे शुरुआत करें, काइंड ऑफ दैट हम हिंदी में ऐसा टाइपिंग करते हैं। तो आपको ये कीवर्ड एचआरएफ के अंदर डालना है, जो भी आपके कीवर्ड रिसर्च टूल है, और इसके बाद उस पर एनालिसिस करना। तो ये बिट डिफरेंट नहीं है, बस आपका कीवर्ड जो हो जाएगा वो डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि हिंदी में दो केसेस होते हैं, एक इंग्लिश होता है एक हिंदी होता है। कुछ लोग हिंदी में वर्ड्स लिखते हैं तो कुछ लोग इंग्लिश के फॉन्ट्स, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स यूज करते हैं और उसमें हिंदी की टाइपिंग करते हैं। तो आपको ऐसा सर्च करना है जैसा आपका चैनल है या जैसा आपका ब्लॉग है और इसके हिसाब से सर्च कर सकते हैं। कीवर्ड को कैसे टारगेट करना है, इंग्लिश हो या हिंदी हो, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो इसको लेकर के मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया है 2-3, तो ये लिंक मैं आई बटन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप समझ जाएंगे कीवर्ड को कहां कहां पर टारगेट करना, पूरी केस स्टडी है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे है तो चैनल पे जाइए, ऑफिशियल चैनल पे जाइए, वहां पे ऑलरेडी कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, वो उन वीडियोस को गो थ्रू कीजिए, वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैसे कीवर्ड को टारगेट करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है पंकज चौधरी और इनका कहना है कि हे ब्रो, जो ऊपर सजेस्ट हमें कीवर्ड की सीपीसी शो करता है, क्या वो ट्रू होता है? सो देखिए, सीपीसी के केस के अंदर अगर आपने मिस किया हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को बीट करना है, और एक दूसरा वीडियो था कि कैसे आपको 15 मिनट में कीवर्ड रिसर्च करना है। वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम चाहिए या फिर एग्जैक्ट सीपीसी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर जाना होगा और गूगल कीवर्ड प्लानर जो आपको सीपीसी दिखाता है दैट इज द फाइनल सीपीसी। ना ही आपको ऊपर सजेस्ट पे बिलीव करना है, ना ही एचआरएफ पे करना है, ना ही सेमरश पे करना है। कोई भी एसईओ टूल एसईओ पर्पस से होता है लेकिन सीपीसी के मामले के अंदर अगर आपका कोई टूल है तो वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। क्योंकि वहां पर जो एडवर्ड्स होते हैं, जो एड्स
डिस्प्ले होती है एडसेंस पे, वो सारे के सारे बिडिंग वहां पे होते, तो वहां से आपको लेटेस्ट डेटा मिलता है, तो आपको वहां पे जाकर के चेक करना होगा। चलिए नेक्स्ट जो है, यह है ट्रिकी टिप्स, और इनका कहना है कि मेरे एक साइट पे पेट ब्लॉक में है, उसमें media.net अप्रूव्ड है, अगर मैं एक मूवी साइट बना लूं जो यूएस का ट्रैफिक आता हो और यूएस ट्रैफिक को मेरे पेट ब्लॉक में जो media.net से अप्रूव है उसमें रीडायरेक्ट कर दूं, तो क्या मुझे अर्निंग हो जाएगी? media.net अकाउंट डिसेबल तो नहीं होगा ना सर रीडायरेक्ट ट्रैफिक से? प्लीज मुझे ये बता दीजिए। देखिए, रीडायरेक्ट से दो मीनिंग होते हैं। एक, अगर आपका जो यूएस ट्रैफिक को लेकर के जो आप डाउनलोडिंग की साइट्स बना रहे हैं, अगर वहां से कोई लिंक देते हैं जो आपकी साइट पे जाती है, सबसे पहली चीज, अगर मूवी डाउनलोडिंग टाइप की कोई साइट्स बनाते हैं तो ये ऑलरेडी इलीगल है, राइट? आप किसी भी कॉपीराइटेड मूवी को नहीं बना सकते हैं। अगर किसी तरीके से media.net ने ये देखा कि आपकी साइट पे मेजर ट्रैफिक का जो राउट हो रहा है वो ऐसी साइट से हो रहा है जो ऑलरेडी इलीगल है, तो डेफिनेटली चांसेस है कि आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, पहला केस। दूसरा केस, अगर आप डेफिनेटली कोई ऑडियंस है जो टोटली डेडिकेटेड है मूवी वेबसाइट्स को लेकर के, उसको आप कैसे आपकी पेट के वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं? इररिलेवेंट ऑडियंस हो जाते हो। अगर ऑडियंस आती भी है तो आपकी साइट पे बाउंस रेट बहुत बढ़ जाएगा, और ये अल्टीमेटली आपके एसईओ रैंकिंग पे इंपैक्ट डालेगा। शायद आपको यहां पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इन शॉर्ट, आपको कोई भी ऐसी इलीगल चीज नहीं करनी है। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो मीडिया वेबसाइट्स की बात करते हैं कि मूवी डाउनलोडिंग साइट्स और वहां से ट्रैफिक को राउट करो, हो सकता है शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिले, लेकिन कभी ना कभी जब आइडेंटिफाई होगा यह चीज तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है कि ये इलीगल एक्टिविटी या एक तरीके से एडल्ट कंटेंट, नॉन लीगल कंटेंट की वेबसाइट से आप आपकी साइट पर ट्रैफिक ड्राइव करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ स्पैमिंग स्कोर, और ऑडियंस का तो ऑलरेडी वहां पे कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो डेफिनेटली जो भी जाएगा, क्योंकि मूवी डाउनलोडिंग साइट के लिए आया है, वो पेट की साइट पे क्या करेगा? तो डेफिनेटली वो बाउंस मारेगा, और बाउंस रेट अगर आपका 80-90% हो गया तो यू आर ऑटोमेटिकली डाउन। सो आई होप कि आपका आंसर क्लियर होगा, नहीं होगा तो कमेंट करो, टेलीग्राम ग्रुप है यार, वहां पे जाके सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्हीं का है, ट्रिकी टिप का, इनका कहना है कि .com डोमेन अवेलेबल नहीं है, तो .co, .net या .org में से कौन सा डोमेन अच्छा है रैंक करने के लिए जो ऑल ओवर कंट्री रैंक करता हो? एंड आई नो कंटेंट इज किंग, थैंक्स फॉर गिविंग अस यूजफुल इन्फॉर्मेशन, यू आर मोस्ट वेलकम। सो देखिए, डेफिनेटली अगर आपके पास .com अवेलेबल नहीं है तो मैं अभी भी सबको सजेस्ट करता हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरी साइट पे एक पोस्ट है, या फिर अपने चैनल के अंदर, मैंने ऑलरेडी चैनल की बात कर रहा हूं, मैं ग्रुप नहीं, ग्रुप में तो कैसा होता है बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं वो सब कुछ चला जाता है, तो मैं एक दिन में एक पोस्ट को पिन कर सकता हूं, तो क्वाइट बेटर आप चैनल के साथ भी जुड़िए, जो ऑलरेडी मिस्टर व्यास का जो चैनल है तो वहां पे वो सारी चीजें ऑलरेडी रहती है, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। वहां पे एक पोस्ट मैंने पब्लिश किया है और वो था कि .com डोमेन आपकी साइट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको .com नहीं मिल रहा है तो इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी साइट है इट्स ऑल अबाउट लर्निंग और ब्लॉगिंग, आप चाहते हैं कि learningblogging.com के नाम से अगर आप डोमेन ले, अगर नहीं मिल रहा है तो गाइस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए इसमें, learningbloggings कर दीजिए, या किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ कीजिए, लेकिन बाय कीजिए सिर्फ .com, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है, इसकी ऑथोरिटी बढ़ जाती है, लोग इस पे बिलीव ज्यादा करते हैं, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। कैसे? अगर वो पोस्ट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, उसमें प्रॉपर मैंने रिसर्च किया, कुछ केस स्टडी के बाद में वो पोस्ट लिखा हुआ है, तो क्वाइट बेटर कि उसको जाकर के पढ़िए, और अगर आप अभी भी स्टिक है उस चीज को लेकर तो फिर डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं, और उसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाए .net के साथ में, बिकॉज .net इज द सेकंड और मे बी थर्ड आई थिंक आफ्टर .org, .net इज द थर्ड लार्जेस्ट डोमेन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर .com। अगर मैं .com की बात करूं तो अराउंड 46% वेबसाइट्स .com पे हैं, स्टेट्स मैंने उस पोस्ट में ऑलरेडी शेयर किए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे ऑलरेडी है, मेरी साइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अर्थ एडिशन, और इनका कहना है कि न्यू वेबसाइट को रैंक करने के लिए कितना टाइम लगेगा अगर वो नीच के काम कर रहा है तो? डेफिनेटली डिपेंड करेगा आपकी नीश कैसी है और न्यू वेबसाइट को रैंक करने के लिए कैसे काम करेगा। अगर आपने मिस किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक वीडियो है, डायरेक्टली वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको जाकर के देखिए, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि किसी भी न्यू वेबसाइट को रैंक होने में कितना टाइम लगता है, और ये टोटली डिपेंड करेगा आपके कंटेंट पे, आपके निश पे, और आप कितनी तरीके से आपकी साइट को किसी न किसी तरीके से सोशल एंगेजमेंट लेकर के आते हैं। अगर आपका कंटेंट सही है, अगर आपकी साइट पूरी की पूरी उसी को टारगेटेड है, प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 8 वीक्स लगेगा। मैंने वहां पे 3 वीक्स का एग्जांपल दिया, कैसे पोस्ट 3 वीक के अंदर रैंक हुआ है, तो आप देख सकते हैं कैसा आप कीवर्ड डिफिकल्टी फाइंड आउट करते हैं। इसलिए सबसे मेजर पॉइंट होगा आप 0-5 की कीवर्ड डिफिकल्टी निकालें और कंटेंट अराउंड 2-3,000 वर्ड्स का लिखें, तो ऑटोमेटिकली आपका पोस्ट क्विकली रैंक कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यह है मेहदी हसन, और इनका कहना है कि हेलो सर, आई एम यूजिंग Pinterest फ्रॉम 30 डेज फॉर गेटिंग द ट्रैफिक फॉर माय वेबसाइट, बट आई फेल, आई हार्डली गेट 1 or 2 पेज व्यूज फ्रॉम Pinterest, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू यूज ग्रिड?
ये मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि किसी तरीके से पिंटरेस्ट पर मैं वीडियो बनाऊं, तो जो भी नए हैं उनको मैं बता दूं पिंटरेस्ट क्या है। पिंटरेस्ट इज अ काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर यूएस और यूके का ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है। अगर आप ब्यूटी के प्रोडक्ट्स पे या फिर होम और गार्डनिंग पे इस तरीके की कोई नीश को हैंडल कर रहे हैं तो पिंटरेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू ड्राइव द ट्रैफिक। बेसिकली वहां पे अराउंड 80-90% फीमेल होती है जहां पे उनका ये लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और यहां से कैसा होता है कि पिंटरेस्ट में मोस्टली ट्रैफिक यूएस और यूके का रहता है, तो जो भी लोग वहां पे आते हैं अगर वहां से आपकी साइट पर ट्रैफिक ड्राइव होता है तो डेफिनेटली आपकी साइट की जो सीपीसी है वो आपको ज्यादा मिलती है। लेकिन अभी आप ये भी बोलोगे कि सोशल मीडिया से जो भी ट्रैफिक आता है उसकी सीपीसी कम रहती है, यस डेफिनेटली कम रहती है कंपेयर टू ऑर्गेनिक सर्च। लेकिन अगर आप रियली में ड्राइव कर सकते हैं और अल्टीमेटली अगर वो साइट आपकी वहां पे ब्राउज हो रही है तो वो इंडिया का जो ऑर्गेनिक सर्च है उसके कंपेरिजन में वहां पे जो सोशल मीडिया से सीपीसी आ रहा है वो डेफिनेटली ज्यादा आएगा। सो क्वाइट बेटर कि आप कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यार बहुत सारी चीजें क्यू में है, अभी पता नहीं किस पे वीडियो बनाऊं किस पे नहीं बनाऊं, तो लेट्स सी कभी ना कभी कवर करेंगे अपन मे बी नेक्स्ट वीक के अंदर कोई ना कोई वीडियो में बनाऊंगा इस पर। डेफिनेटली पिंटरेस्ट क्या है, कैसे उसमें पिंग्स करता है, कैसे बोर्ड क्रिएट करते हैं और कैसे वहां से ट्रैफिक ड्राइव किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज, हम लोग एक दूसरे की, मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूंगा हमारे चैनल पे कि हम लोग एक दूसरे की जो पोस्ट है उसको एक दूसरे के साथ में पिन करेंगे, जिससे कि अल्टीमेटली हर किसी को बेनिफिट होगा। अगर हम एज ए कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़े हुए तो मैं ये डेफिनेटली ये आइडिया शेयर करूंगा, जो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उनको लेकर के उनके जो बोर्ड है वहां पे मैं एक दूसरे के पिन करवाऊंगा ताकि आप सभी को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बेनिफिट होता रहे। तो तभी वो टेलीग्राम का चैनल मैंने बनाया है, डेफिनेट उससे ज्वाइन कीजिए अगर आप रियली में ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी नहीं कहा है मेहंदी हसन का, और इनका कहना है कि आई गेट क्लिक्स फ्रॉम यूएसए ऑन द आर्टिकल ऑन विच गूगल ऑफर कीवर्ड्स ऑफ $146 सीपीसी इन यूएसए बट आई गेट ओनली 0.18 सीपीसी, व्हाई माय ब्लॉग इज 4 मंथ ओल्ड। सबसे पहले चीज, अगर आपने सीपीसी सर्च किया आपकी साइट नहीं है डेफिनेटली गूगल आपको $146 का सीपीसी नहीं देगा, क्यों, साइट की ऑथोरिटी नहीं है। अभी एक चीज बताओ कि गूगल के पास थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शन है, मिलियंस ऑफ ऑप्शन है कि वो उस हाई सीपीसी की एड को अच्छे खासे वेबसाइट्स पे दिखाए। ठीक है, एक चीज और दिखा देता हूं मैं आपको, गूगल एडसेंस कैसे काम करता है। हर एक की साइट की बिडिंग होती है, ओके, अगर आप कोई कीवर्ड टारगेट करते हैं इतना सीपीसी का, आपकी साइट की बिडिंग होती है कि जो बिडर है जो एडवर्टाइजर है वो उनको बोलता है या फिर जब भी एड प्लेसमेंट करता है तो गूगल ये फाइनलाइज करता है इतनी महंगी एड मुझे कहां पे दिखानी है। तो बहुत सारे एडवर्टाइजर आपकी साइट के लिए बिडिंग करते हैं कि इस साइट पे मेरी एड दिखाओ, इतने सीपीसी के दिखाओ, इतने सीपीसी के दिखाओ। तो डेफिनेटली अगर 4 मंथ ओल्ड वेबसाइट है तो $146 के सीपीसी तो आने ही नहीं है, और अगर आ भी जाएगी तो नहीं पता कि वो कौन सी कंट्री के अंदर आ रही है, यूएस के अंदर नहीं आ रही है, वो किसी और कंट्री के अंदर आ रही है जहां हो सकता है किसी ने आपकी साइट के लिए बिड ही नहीं किया हो। तो ये गारंटी नहीं है कि आप जो सीपीसी चूज करते हैं वही एज इट इज मिलता रहे। तो डेफिनेटली आपको कहीं और से ट्रैफिक आया तभी $0.18 का सीपीसी आपको मिला हुआ है। सो गाइज मैं हमेशा कहता हूं नेवर फोकस ऑन सीपीसी, सीपीसी को छोड़ दीजिए, कीवर्ड रिसर्च पे ध्यान दीजिए। पहले पोस्ट तो ऊपर आए, अगर ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट की बिडिंग होगी। अगर आपकी साइट टॉप 10 में है तो उस कीवर्ड के लिए बिडिंग हमेशा डेफिनेटली हाई रहती है, ऑलरेडी ट्रैफिक आता तो बहुत सारे अदर कीवर्ड रैंक हो जाता है और धीरे धीरे फिर आपको $146 की सीपीसी मिलनी चालू होती है। दिमाग में सटा के रखिए, तो कभी भी कीवर्ड की सीपीसी के पीछे मत भागिए, हमेशा कीवर्ड की डिफिकल्टी के पीछे भागिए, क्योंकि आपका पहला एम है पोस्ट को रैंक करना। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी इन्हीं का है, कैन आई बिड बिग वेबसाइट ऑन विच कंटेंट इज नॉट सो गुड इन 2019, इज इट वर्क विद blogspot.com डोमेन। सबसे पहले चीज यार, blogspot की मैं अभी देखता ही नहीं हूं, मतलब कोई भी कीवर्ड रिसर्च करता हूं शायद आपने भी नहीं देखा होगा कि blogspot.com के नाम से कोई डोमेन रैंक कर रहा हो। ऑलमोस्ट सारे डोमेन्स होते हैं कस्टम डोमेन्स होते हैं, तो मैं इससे सबको एडवाइस करता हूं कि 300-400 रुपए लगा लो यार एटलीस्ट एक साल के लिए, कहीं ना कहीं तो एडसेंस का $1-2 तो रिटर्न आ ही जाएगा, जब आएगा तो वो इतना कंपनसेट हो जाएगा। और क्या बीट कर सकते हैं, मैंने फेसबुक का एग्जांपल दिखाया, मैं कैसे फेसबुक को बीट किया हुआ, कैसे फेसबुक नीचे है और कैसे मेरा पोस्ट ऊपर है। अगर आपको देखना हो शायद इसका लास्ट वाला वीडियो था, मे बी इसके लास्ट वाला वीडियो था जहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, चैनल पे वीडियो भी पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट करते हैं, भाई आपने तो पूरी लाइन लगा दी। ये भी नहीं कहिए, कैन आई जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम blogspot डोमेन वेबसाइट, यस यू कैन, बट डिपेंड करता है आपकी साइट रैंक करती है नहीं, अगर करेगी तो जो साइट करेगी उसको वहां से डेफिनेटली रेवेन्यू जनरेट होगा। और क्या मैं अच्छा खासा अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ला सकता हूं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि blogspot की वेबसाइट्स बहुत ही कम रैंक्स हो रही है आजकल, कस्टम डोमेन्स की वेबसाइट रैंक हो रही है। रीजन इसके पीछे बहुत सारे हो सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि गूगल डिफरेंशिएट करता है कि blogspot नहीं करना, .com नहीं करना, इट्स बिकॉज कि लोग blogspot वाले कौन होते हैं, जो फ्री में लिखते हैं, और फ्री में लिखते तो या तो वो डेडिकेटेड नहीं रहते या फिर ऑलरेडी वो डाउटफुल रहते हैं कि मेरा पोस्ट रैंक करता है नहीं करता है, तो अल्टीमेटली वो कम मेहनत करते हैं। एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्यों रिस्क लेना भाई, मेहनत कर ही रहो तो एटलीस्ट .com का डोमेन ले लो। चलिए अभी नेक्स्ट बात करते हैं, अभी 4 क्वेरीज बची हुई है, और इनमें से शुभम दास, इनका कहना है कि सर कीवर्ड की डिफिकल्टी एचरेफ में 4 दिखा रहा है, उबर सजेस्ट में कोई 46 दिखा रहा है, तो क्या मैं इस कीवर्ड में वर्क करूं या ना करूं। तो देखिए गाइस, इस पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, अगर आपने मिस किया हो तो मैं आपको बताता हूं कि चलिए इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहां पे मैं बात करता हूं, जब आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, डेफिनेटली होगा,
डेफिनेटली हर टूल का अपना एक फैक्टर होता है, जैसे मैंने बताया एचरेफ का मोटो होता है कि वो नंबर ऑफ बैकलिंक्स आपके साथ में कितनी जुड़ी हुई है, क्या उसकी ऑथोरिटी इसके बिहाफ पे डिफिकल्टी दिखाता है। उबर सजेस्ट होता है ऑलरेडी टॉप 10 रैंकिंग पेजेस चेक करता है कि ये इतने हाई डोमेन ऑथोरिटी का पेज रैंक कर रहा है तो ये मुश्किल है, वो अपनी डिफिकल्टी दिखाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्जैक्टली जिसको बोलते हैं मैनुअल रिसर्च, कि मैनुअली हम रिसर्च करेंगे कि क्या सही में ये और ये डिफिकल्टी को मैं रैंक कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली इसमें मैं एक नया वीडियो लाऊंगा और वो बहुत ही क्लासिक वीडियो होगा, बेसिकली पेड होता है बट दिस चैनल समथिंग फॉर फ्री, सो डेफिनेटली वो बहुत ही क्लासिक टेक्निक्स होगी जो मैं यूज करता हूं कि आप किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल पे आप ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते। तो वो क्या टेक्निक्स है जिसपे आप मैनुअल रिसर्च कर सकते हैं कि कैसे आप कौन से कीवर्ड को टारगेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पाटिल ऑलवेज रेडी। ओके सो इनका कहना है कि सर बैकलिंक कैसे फाइंड करें, बैकलिंक बनाने का कौन कौन सा तरीका है पोस्ट को रैंक करने के लिए। तो चलिए गाइस अगर आपने मिस किया है तो मैंने बैकलिंक की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जहां पे चार तरीके, और ये एकदम जेन्यून है, मैं ऐसी फर्जी वाली बात नहीं की कि आपको ये कमेंटिंग बैकलिंक में जाके करो वो जाके करो। तो आप बैकलिंक के प्लेलिस्ट को जाकर के चेक कर लीजिए, वहां पे तीन वीडियोस बनाए हैं व्हाट इज बैकलिंक और कैसे ब्रोकन लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स काम करते हैं और कैसे आप हैरो के थ्रू बड़ी बड़ी रिपोर्टर साइट से आप बैकलिंक ले सकते हैं और एग्जाम्पल विथ लाइव प्रूफ मैंने कैसे बड़ी बड़ी मीडिया साइट से कैसे बैकलिंक ली है और कहां कहां पे मेरा पोस्ट पब्लिश हुआ, कैसे मैंने उनको ईमेल किया और कहां कहां से उसका रिस्पॉन्स आया, एवरीथिंग लाइव प्रूफ इन दैट प्लेलिस्ट। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, बहुत सारे लोगों के सवाल अच्छे थे, आज कम थे तो हमने बहुत सारे कवर किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपकी क्वेरी कवर करना चाहते हैं, अगर आप मिस कर गए इस तरह की कम्युनिटी पोस्ट तो एवरी सैटरडे को अपडेट रहिएगा, चैनल पे मैं पोस्ट करता हूं, जब भी मैं यहां पे कम्युनिटी गाइडलाइन के लिए या कम्युनिटी के लिए कोई पोस्ट क्रिएट करता तो चैनल पे स्क्रीनशॉट शेयर करता, तो डेफिनेटली आइए और आने के बाद में अपने कमेंट कीजिए ताकि हम उन क्वेरीज को एड्रेस कर सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, अगर आपको चैनल सही लगा हो वीडियो सही लगा हो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।